अकबर के बाद जब अकबर के बेटे सलीम ने तख्त संभाला तब उसे जहांगीर की उपाधि दी गई। जहांगीर का मतलब दुनिया जीतने वाला। अकबर का बेटा सलीम अय्याशी में अपने बाप का भी बाप निकला। उसकी रुचि महिलाओं में कुछ ज्यादा ही थी। इसकी पहचान अकबर को तब हो गई थी जब एक बार रास्ते में अकबर का काफिला रुका तो शहजादा सलीम अकबर के हरम में जा घुसा जो कि काफिले के साथ ही चल रहा था। वहाँ उसने एक खूबसूरत हसीना को देखा जिसका नाम अनारकली था। पहली ही नजर में सलीम अनारकली पर अपना दिल हार बैठा और जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने सलीम को हरम से बाहर खींच कर बहुत जलील किया, लेकिन इससे भी सलीम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। जब एक बार जहांगीर के बेटे खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी थी तब वो हार गया था। इसके बाद जहांगीर ने अपने ही बेटे की आंखें फोड़ दी थी। हालांकि बाद में खुसरो की आंखों का इलाज भी करवाया गया पर उसकी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई। जहांगीर के बेटे का साथ देने के लिए जहांगीर ने सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जन देव को भी फांसी पर चढ़ा दिया था।